किया। पिछले 5 साल वो जनता को ठगते रहे और ड्रामे करते रहे। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब उन्होंने ये पाया कि आपदा में हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए और सत्ता पक्ष आपदा से भी निपट गया, वर्ल्ड बैंक ने भी सरकार की प्रशंसा की, नीति आयोग ने भी सरकार की प्रशंसा की, शांता कुमार जी ने भी सरकार की प्रशंसा की, जब आपदा आई उस स्थिति से निपट और आपदा प्रभावित परिवारों को 7 लाख रुपया पर घर के हिसाब से सहायता राशि भी दे दी, उसके बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं है। रोज वो ड्रामा करते हैं, गारंटियों का रोना रोते हैं। पहले साल में 3 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं, 5 साल के लिए जनता ने हमें चुनकर भेजा है, अगले साल 3 गारंटियां और पूरी होगी और 4 साल में पूरी 10 गारंटियां होगी। अब वो सोचते ये है कि हमारे जो सांसद भी चुनकर गए, वो भी गृह मंत्री से एक अनुरोध नहीं कर सके कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को रिलीफ, स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। तो वो जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जब भी विधानसभा सेशन लगता है तो इस प्रकार की नौटंकी करके वो जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि सर नशे के ऊपर चर्चा हुई है सदन के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, नशे में हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल से 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया। नशे के लिए सरकार गंभीर भी है और हमारे उप मुख्यमंत्री ने आज जवाब में कहा है इसके लिए हम एक स्पेशल कमांडो फोर्स भी बना रहे हैं, लेकिन कई जगह केंद्र सरकार के कानून हैं उसमें हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। जैसे कि हम नशा कारोबारी जो है उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं, लेकिन वो कानून हमें इजाज़त नहीं देता क्योंकि वहाँ केंद्र का कानून है। हमने केंद्र से प्रस्ताव डालकर पिछली बार विधानसभा में अनुरोध किया था कि इस शक्ति को हमें दीजिए और जो भी नशे से कमाई होगी उसको हमारी सरकार जब्त करना चाहती है। तो हमारी सरकार इस दृष्टि से भी कदम उठा रही है और अभी हम उसके लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स भी बना रहे हैं जिसका जल्दी आपको पता लगेगा। और जितना चिट्टा हमने पकड़ा है पिछले 1 साल में 14 किलो, यानी कि 1 ग्राम चिट्टे की डोज से 2-3 बार लेने से वो व्यक्ति नशे के आदि हो जाता है। तो स्थिति से हम सख्ती से निपट रहे हैं, हमारी पुलिस सख्ती से निपट रही है। दूसरा सबसे बड़ी चिंता ये कि हमारे पास कोई अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, रिहैबिलिटेट करने के लिए उनके पास सेंटर नहीं है। तो हम उस सेंटर का भी हम विचार रख रहे हैं और उसके लिए हम बजट का प्रावधान भी करेंगे कि इन जितने भी नशे के आदि लोग हैं उनको पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, इस दृष्टि से भी मैं विचार रखता हूँ। सर, आवारा पशुओं को लेकर भी जो है वो लगातार जो कानून बनाने की बात की जा रही है और सजा का प्रावधान किया जाए ताकि आवारा पशु जो सड़कों पे छोड़े जाते हैं, उसके लिए अभी हम पॉलिसी बना रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे पास धन होगा हम काम करते हैं। सर, सदन की अवमानना की बात आई है, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और स्पीकर ने भी नाराजगी जाहिर की है। नहीं, स्पीकर ने नाराजगी आपने सुना नहीं, स्पीकर ने बोला कि जो मिनिस्टर है उनको जवाब के लिए रहना चाहिए, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ थे। सदन की अवमानना तब होती है, उन्होंने कहा कि कुछ फ्लॉज हैं जो सरकार की तरफ से। नहीं, उन्होंने मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया, जब आपका सदन एक्सटेंड किया जाता है तो एक्सटेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई बैठक नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में रहकर भी तो बैठक करता है, जब समय अनुसार उनको आना पड़ता है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसका फिर माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने ऑथराइज किया हुआ था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और मैंने ऑथराइज किया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शाम तक बैठे रहे। तो इसमें जब ऑथराइज कर दिया जाता है तो ये कोई कारण नहीं होता, लेकिन जब हाउस बार बार एक्सटेंड किया जाता है, 5 बजे के बाद एक्सटेंड हुआ था उसके बारे में उन्होंने ये बात कही। 3 राज्यों के नतीजे आए, सीडब्ल्यूसी की बैठक भी है, नशा मुक्ति केंद्र हैं जो कि जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या जो है वो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जो इन तमाम नशा मुक्ति केंद्रों की जांच करवाएगी और बजट सत्र में जो है वो इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट करेगी। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या इनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए सरकार? नहीं, कुछ एक नशा मुक्ति केंद्रों में नशा बिक रहा था, वो बड़े धार्मिक काम भी करते थे और नशा मुक्ति केंद्र भी ऊना में खोल रखा था। ग्रेड की बात है, तो हमें देखना पड़ेगा जो सही मायने में नशा मुक्ति केंद्र है
उन पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा है उनको हम गाइडेंस देंगे कि किस प्रकार से उसको चलाना है, उस बारे में भी हमारी सरकार बात कर। सर इसी में एडिशन कर रहा हूँ सर, दिल्ली में शिक्षण संस्थानों में। हाँ तो अच्छी बात है, वो तो सरकार करती, हमारी पार्टी करती रहती है। सर शिक्षण संस्थानों में नशा को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? देखिए ये सभी, ये सरकार समाज के सभी व्यक्तियों का एक दायित्व बनता है, पत्रकार बंधुओं का भी एक दायित्व बनता है कि जो भी नशे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। समाज के सभी व्यक्तियों का काम करता है, क्योंकि एक ऐसी बुराई है जिसको दूर करने की दृष्टि से हम सब लोगों को एकजुटता से इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सर विधायक राजेंद्र राणा जी कुछ नाराज लग रहे हैं, कई सवाल आज उन्होंने भी उठाए हैं, भर्ती वाला जो बंद किया गया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको बंद करना गलत था, जब जो इसको फंक्शनल किया जाए, राज्य जो चयन है वो बंद करने से हमें तो चयन है वो ऐसा नहीं है, ऐसा फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि युवा भी इंतजार कर रहे हैं। भैया आज तो आपके अखबार में छपा है कि इस महीने से आप ही के अखबार में छपा है, तो उसमें आपके अखबार में छपा, तो आपके अखबार में छपा कि अगले महीने से उसमें एग्जाम हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए सर।